हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेटजिक तैयारी चैनल। यूपीपीएससी से संबंधित कुछ खबरें हैं जिन पर हम बात करेंगे आज एक एक करके। सबसे पहले आपको पता होगा कि पीसीएसजे का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और निश्चित रूप से आपको ये सब न्यूज़ मिल चुकी होगी, लेकिन इस रिजल्ट को देखकर क्या हमको कयास लगाना चाहिए और क्या होने वाला है आने वाले समय में। 17 का मेंस का क्या होगा, 18 का मेंस कब होगा और 19 का नोटिफिकेशन या कैलेंडर कब आएगा, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि पीसीएसजे का जो रिजल्ट आया है उससे ज़्यादा दिल पे लेने जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कमीशन ने इसलिए नहीं दिया है कि उसने अब रिजल्ट निकालने की टेंडेंसी जो स्टार्ट कर दी है, बल्कि वो इसलिए दिया है क्योंकि हाईकोर्ट का टाइम लिमिट जो बाउंड है उसके तहत उनको देना पड़ा है। ठीक है, इसलिए उनका दिया है, तो इसलिए भूल जाइए कि 17 का रिजल्ट अभी आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, 18 का मेंस 19 कब, बहुत ज़्यादा मार्केट में खबरें हैं कि इसका कभी भी हो सकता है, जुलाई अगस्त में भी हो सकता है, पर ऐसा होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। कारण इसका ये है कि अभी एक दिन पहले न्यूज़ में आया भी था कि सबसे पहले जब पेपर होना है तो दूसरी पहले कैलेंडर होना चाहिए, कैलेंडर नहीं है ना, डेट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरी सब जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, पेपर की छपाई, प्रिंटिंग प्रेस, जो प्रिंटिंग प्रेस कर रही थी जैसा कि आप जानते हो फंस गई स्कैम में, तो उसके लिए नए सिरे से फिर से टेंडर निकाले जाएंगे और प्रिंटिंग प्रेस देखी जाएगी। इसमें इन सब कामों, टेक्निकल काम जो होते हैं, आंतरिक रूप से जो होते हैं कार्य, उसमें एटलीस्ट 3 मंथ्स लग जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये भूल जाइए कि जुलाई अगस्त में होगा मेंस, ये सितंबर के बाद ही होगा, 30 सितंबर के बाद ही होगा, अक्टूबर में कभी भी हो सकता है, वो भी जब इन्होंने जल्दी किया तो, क्योंकि मेन टेक्निकल काम जो है आप जानते हो भारत में कितना स्लो काम होता है। ठीक है, टेंडर निकालना, प्रिंटिंग प्रेस की सब कुछ करना, उसकी सिक्योरिटी और देखना, बाकी चीज़ें उसको पास करना, और उसमें भी कमीशन तो लेंगे ये लोग, कमीशन खोर तो हैं ही सब लोग। ठीक है, तो उसमें 3 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे, इसलिए आपके पास जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने हैं और जून तो अभी आधा बचा हुआ है। ठीक है, इतने 3.5 महीने हैं जिनकी तैयारी नहीं है, जो नए हैं फिर से अच्छे से लग जाएं और तैयारी करें। दूसरी बात, कैलेंडर, कैलेंडर आ सकता है दोस्तों, जल्दी ही आ सकता है। ठीक है, कैलेंडर लाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर यह है कि एग्ज़ाम कोई भी 3 महीने से पहले नहीं हो सकता है, क्योंकि पेपर की छपाई नहीं होगी, इसलिए सितंबर के बाद ही 19 की बात, और जहां तक मुझे लग रहा है अक्टूबर के लास्ट में, जैसा कि पिछली बार हुआ था 20 अक्टूबर और 28 अक्टूबर, ठीक है, 17 वाला 28 में और वो वाला 20 में हुआ था। ठीक है, मतलब रिवर्स। ठीक है, तो अक्टूबर के लास्ट में ही होगा या नवंबर के फर्स्ट वीक में होने के चांसेस हैं। ठीक है, 19 वाले का उस सितंबर से पहले बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसलिए निश्चिंत रहें और तैयारी को जिस तरह कर रहे हैं बिल्कुल इत्मीनान से करते रहिए, जल्दी भागने की जरूरत अभी नहीं है, आपके पास समय है अभी। ठीक है, तो ये करते रहिए। अगर आप तैयारी नहीं करोगे, सोचोगे अभी भी कि यह बीमारी हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर पढ़ाई मन नहीं लगेगा, भले कितनी बीमारी हो रही है, पर हमें यही मान के पढ़ाई करनी है कि बीमारी नहीं होती है। ठीक है, तभी पढ़ाई हो पाती है, वरना पढ़ाई नहीं हो पाती है, इसलिए लगे रहो, जो भी होगा अच्छा होगा। और मुश्किल ही है कि कुछ अच्छा होगा, बेईमानी ख़त्म होगी, क्योंकि कभी भारत एक बार जो चीज़ शुरू हो जाती है कभी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, सरकारें बदलती रहती हैं पर लॉबी वही रहती है। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला, तो अब बस तैयारी करते रहो, किस्मत रही तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, और तैयारी करते रहो। ये न्यूज़ है जो आपके इंपॉर्टेंट है 3 महीने के लिए, आपको पढ़ाई करो अच्छे से। ठीक है, और पढ़ाई करोगे तो उसका फल भी ज़रूर मिलेगा, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, चाहे जितनी बेईमानी क्यों ना हो जाए। ठीक है, लगे रहो, कैरी ऑन, और कोई नई बात हो या कोई नए टॉपिक्स हो, पूछने हो, आप जानने हो, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।